समाज से ऊपर नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कार्यवाही हो, अम्बरीश तिवारी ने कहा। ब्राह्मण युव जन सभा के जिलाध्यक्ष अम्बरीश तिवारी निवासी दशाराम पट्टी थाना को इरोना ने शुक्रवार को कहा कि घाट से ध्रुव पर नफरत फैलाने वालों और देश को तोड़ने की बातें करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए, भले ही वे किसी भी पार्टी से नाता रखते हों। भदोही संवाददाता एके फारूकी द्वारा की गई रिपोर्ट। जिलाधिकारी को सौंपे गए पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि प्राथमिक विद्यालय भेदियोरापाली में कार्यरत सरकारी शिक्षक रमेश यादव निवासी बनपुड़वा द्वारा पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ भदोही के नाम से एक ग्रुप संचालित किया जा रहा है, जिसके एडमिन भी सरकारी शिक्षक रमेश यादव ही हैं, जिनका मोबाइल नंबर 9451583116 है, जिसमें आए दिन वो हिंदू देवी देवता को झूठा एवं पाखंडी बलात्कारी बताते हुए हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश एवं ब्राह्मणों को बलात्कारी आतंकवादी जैसे शब्दों से लगातार पोस्ट करते रहते हैं, जिसकी प्रतियां गवाह के रूप में एप्लीकेशन के साथ संलग्न है। आगे कहा कि इससे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण वाले छात्रों के अंदर दुर्भावना पैदा होगी और समाज में नफरत बढ़ती जाएगी, जिसका खामियाजा पूरे समाज को उठाना पड़ेगा। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि जिलाधिकारी महोदय ऐसे शिक्षक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करें। प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक रमेश चंद यादव द्वारा, जो कि भिडूरा पाली प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत हैं इस समय, उनके द्वारा प्राथमिक विद्यालय शिक्षक संघ के व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार हिंदू देवी देवता और ब्राह्मणों के खिलाफ नफरती रूप से और अभद्रता पूर्वक पोस्ट जो की गई थी व्हाट्सएप ग्रुपों में, उसके खिलाफ में आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दे करके उन्हें निलंबित एवं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए यहां पर आज हम लोगों की मांग है। चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।